मैं सबसे महत्वपूर्ण मामलों के बारे में पहले जानकारी दूंगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण मामला हमारे राज्य में खेल प्रेमियों के लिए है। मोइनुल हक स्टेडियम, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि सरकार ने बीसीसीआई के साथ एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया था किसी मंत्रिपरिषद की बैठक में। तो बीसीसीआई के साथ जो अग्रीमेंट होना है उसके प्रारूप की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने आज दी है। प्रारूप में यह प्रावधान किया गया है कि मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई की जो शाखा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यहां पे बिहार में, उसके साथ एग्रीमेंट होगा और साथ ही साथ उसका विकास के लिए वो निवेश करेंगे। साथ साथ के लिए 1 रुपए की राशि में इसका लीज होगा और उस पर 7 साल के बाद अगले मतलब 1 रुपए 1 रुपी पर 7 ईयर्स और 7 ईयर्स के बाद 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% के एग्रीमेंट में अगले वर्षों में होगा और कुल पहला प्रथम जो लीज एग्रीमेंट है वो 30 ईयर्स का होगा। 30 ईयर्स के बाद म्यूचुअल कंसेंट पर ये और 30 ईयर्स एक्सटेंड हो सकेगा। तो मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में आप लोग बहुत चर्चाएं सुनते थे और बहुत सारे क्रिकेट खेल प्रेमी भी इस पर अपने विचार रखते थे। तो अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम में क्या क्या होगा मैं बता देता हूं, इसमें बहुत डिटेल है। इसमें मेन में है 9 विकेट पिच ग्राउंड होगा, नाइट क्रिकेट फैसिलिटी विद फ्लड लाइट, रात में क्रिकेट खेलने के लिए फ्लड लाइट फैसिलिटी होगी, प्रैक्टिस ग्राउंड, नेट प्रैक्टिस एंड स्मॉलर मैचेस, छोटे मैचों के लिए नेट व्यवस्था होगी, स्पेक्टेटर कैपेसिटी 40,000 की होगी, मेंबर पवेलियन और मीडिया स्टैंड होगी, आप लोगों के इंटरेस्ट का है 250 लोगों के लिए, एडिशनल फैसिलिटी फॉर मेंबर्स इंक्लूडिंग टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा, और ये अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगा। मैं पढ़ देता हूं, टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम और स्पा। 76 कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे, 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस होंगे, बॉक्स जो मैच देखने के लिए। इंडोर क्रिकेट एकेडमी विद रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी यहां पर होगा। 70 रूम का यह अकोमोडेशन होटल बनेगा जो 5 सितारा होटल के मापदंड पे होगा और ये कमर्शियली इसका उपयोग हो सकेगा। रेस्टोरेंट और डिनर हॉल्स भी इसमें होंगे, मल्टी लेवल पार्किंग होगा और अन्य जो भी चीजें होंगी ये आपको मैंने जानकारी दे दी है। तो यह केवल स्टेडियम का ही निर्माण नहीं बल्कि स्टेडियम के जो अगल बगल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण होगा। तो 7 साल तक 1 रुपए पे और 7 साल के बाद 50-50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अग्रीमेंट है उस पर अंकित। इस पर खर्च कितना करीब आएगा? इसमें उन लोगों ने अब इसमें काफी खर्चा आएगा ना, इसमें तो होटल भी बनाना है, इसमें स्विमिंग पूल भी ठीक करना है। तो ये अग्रीमेंट है, इसमें ये अंकित नहीं है एमओयू में कितना होगा, बट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करना है, खर्च उन्हीं को करना है। बीसीसीआई खर्चा करेगा और बीसीसीआई पहले 7 साल में तो अपना मैच खेलेगा और मैच खेल के अपना रिकवर करेगा। तो सारा जितना भी मैंने पढ़ा है ये सारा खर्चा उसी को करना है, राज्य सरकार का कोई पैसा नहीं लगना है। राज्य सरकार केवल उसको मैदान उपलब्ध करा दिया है, साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन ड्यू फीस है और लीज एग्रीमेंट का जो ड्यूस है फीस है वो शांत कर दिया है और 1 रुपए पर 7 साल के लिए और उसके बाद जो भी 50-50% राज्य सरकार और जो बीआईए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है दोनों अपनी आपसी सहमति पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करेंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, ऑडिट के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसका आधा हमारा आधा उसका 7 साल के बाद और कुल 30 साल, 30 साल से 7 साल घटा लीजिए और फिर इसको अगला 30 साल। हाँ सब उसी में, सब बहुत सारी जमीन है ना अगल बगल जो आज के दिन में खाली जमीन पड़ी हुई है। अब ये एमओयू का आज अग्रीमेंट है इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं है, केवल मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो एग्रीमेंट है उसका मैंने आपको जानकारी दिया है।
और एमओयू में यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। तो पूरा रिकंस्ट्रक्शन है ना सर? कंस्ट्रक्शन भी है और मैनेजमेंट भी है ना, और फिर टीम को लाना भी है और टीम को खिलाना भी है, बहुत सारा काम है ना, मैचेस इंटरनेशनल मैचेस भी कराने हैं इसको। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है ये, आपको जानकारी होगा कि बॉम्बे में हम लोग की बिहार भवन का निर्माण करने का सरकार ने निर्णय लिया था, इसमें 2751 वर्ग मीटर की जमीन है। हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को शुल्क वेव करने को कहा, तो शुल्क वेव नहीं करने की स्थिति में हम लोग को अब 5,92,00,000 राशि बीसीएफ से निकाल के अब रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान करना है, और इस पर बिहार भवन मुंबई का निर्माण होगा। और एरिया में बता दिया आपको, 2751.69 वर्ग मीटर है, और स्थान भी आपको पे चाहिए, स्थान है ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन है, और ये एल्फिंस्टन एस्टेट के पास है, एल्फिंस्टन एस्टेट के पास है, और ये एग्जैक्टली जमीन का जो विवरणी है, ये नियरेस्ट ये डोंगरी पुलिस स्टेशन है और मस्जिद स्टेशन सेंट्रल रेलवे हार्बर रेलवे पे है, और नियरेस्ट मेजर लैंडमार्क डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल प्रिंसेस विक्टोरिया डॉक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी और ये नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस है, यही है। अब मैं पथ प्रमंडल के योजनाओं की स्वीकृति के बारे में जानकारी दूंगा। पथ प्रमंडल की बहुत सारी योजनाओं की स्वीकृति हुई है। पहला जो योजना है वह है पथ प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत गुणसागर से शलौजा पथ वाया ससंडा खैरमा बारवा सेठना का पथ है, इसमें 59,56,85,000 रूपये की स्वीकृति हुई है। ये लखीसराय जिले के महत्वपूर्ण पद है, और ये पथ गुणसागर से प्रारंभ होकर सरसंडा खैरमा बहरवा सेठना आदि जगहों को जोड़ते हुए शलौजा तक जाती है। दूसरा पथ है पथ प्रमंडल समस्तीपुर के अंदर मोहद्दीन नगर कुरसाहा बाकरपुर सुल्तानपुर घटोला घटोल मोहम्मदपुर बोचाहाट पथ है, ये समस्तीपुर जिले का एक महत्वपूर्ण पथ है, और ये पथ NH 122B से निकलकर कुरसाहा बाकरपुर अंदगोलवा सुल्तानपुर महदीपुर मसलीपुर होते हुए NH 22B पर समाप्त होती है, और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क प्रखंड अनुमंडल एवं जिला मुखिया स्थापित करने के लिए यह मददगार होगा, और सुदूर दक्षिण भाग वाले गंगा नदी के तटबंधीय क्षेत्र वाले इलाकों को संपर्कता प्रदान करेगी। तीसरा पथ था पथ प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत मतासी NH 333A से बल्लोपुर एवं विद्युत सबग्रेड तरहारी भाया मतासी बल्लोपुर पथ जस्टिस मोड तरहारी, यह 38,70,45,000 रूपये का पथ है, और यह लखीसराय जिले का एक महत्वपूर्ण पथ है। यह पथ मतासी मोड NH 333A से प्रारंभ होकर मतासी गांव मतासी बल्लोपुर पथ बीआर कॉलेज तेहरा गांव आदि जगहों से होते हुए विद्युत सबग्रेड तरहारी तक जाती है। यह पथ कृषि क्षेत्र से होकर गुजरती है, पथ निर्माण हो जाने के कारण कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुगम एवं सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। राज्य के लखीसराय जमुई बांका एवं अररिया जिले के कुल चार पुल परियोजना चार पुलों का भी आज स्वीकृत हुआ है। एक लखीसराय का है SH 08 से क्यूल स्टेशन के बीच क्यूल नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण, दूसरा जमुई सोनो चरखा के दूसरे किलोमीटर में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण, बांका जिला के कच्ची कांवरिया पथ से 34वें किलोमीटर में कुमरसार से धौरी के बीच बधुआ नदी पर RCC पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण, अररिया जिला में चांदनी चौक से अजमतपुर मैनपुर पथ से परमान नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण। इसमें कुल लागत इन्हें चार में से 175,28,91,000 रूपये
राशि व्यय होगी। जल संसाधन विभाग की भी दो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। पहला है सारण तटबंध के किलोमीटर 40 से किलोमीटर 72 के बीच तटबंध सुदृढ़ीकरण तथा तटबंध शीर्ष पर अवस्थित सड़क का पुनर्स्थापन कार्य, इसमें 60 करोड़ 92 लाख का व्यय होगा। दूसरा योजना है तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किलोमीटर से 240.85 किलोमीटर तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य, प्राकलित राशि 181.76 करोड़ रुपए इस पर व्यय होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भी दो महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है। किशनगंज जिले में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज के लिए अतिरिक्त आपके हॉस्टल, फैकल्टी के लिए आवास, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, इसमें कुल लागत 77 करोड़ 58 लाख इसमें व्यय होगा। तो किशनगंज में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपके अतिरिक्त फैकल्टी के लिए ब्लॉक है, रेजिडेंशियल ब्लॉक है, बॉयज हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है। इसी तरह बांका जिले में भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका, उसमें फैकल्टी ब्लॉक है, आपके स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज हॉस्टल है, मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम भी है। तो इसमें 150 करोड़ 94 लाख 11 हजार रूपये इसमें व्यय होंगे। गृह विभाग का यह आपके बिहार गृह रक्षा वाहिनी जो होमगार्ड हैं उनकी सेवा में अराजपत्रित कर्मियों को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में एक माह का वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमानीयता प्रदान करने के संबंध में, तो कंपल ये क्षतिपूर्ति अवकाश 20 दिनों का उनको प्राप्त होगा। पीएमसीएच में आपको जानकारी होगा कि मेजर हॉस्पिटल बन रहा है, 5000 से ऊपर बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और इसका पावर स्टेशन भी बहुत बड़ा पावर स्टेशन का निर्माण हो रहा है। इसमें 132/33 केवीए का ग्रीन जीआईएस ग्रिड उपकेंद्र का अधिष्ठापन हो रहा है। इसी का रिवाइज्ड एस्टीमेट आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया जो कि 3 अरब 25 करोड़ 16 लाख 63 हजार रूपये का एस्टीमेट है। राजकीय पहले ये 255.89 करोड़ था। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा यह भी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में कुल 3 अरब 49 करोड़ 78 लाख प्रशासनिक स्वीकृति दी थी, इसमें स्कोप ऑफ वर्क का परिवर्तन हो गया, अब ये 6 अरब 29 करोड़ 18 लाख रुपए इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट इसका सैंक्शन हुआ है। गृह विभाग में जो सैनिक कल्याण निदेशालय है इसके अधीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कार्यालय प्राचारी एवं परिचारी रात्रि परेड के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के संबंध में कार्यालय प्राचारी एवं परिचारी रात्रि प्रहरी संवर्ग 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग में बहुत सारे नियमावली की स्वीकृति दी है, मैं सब पढ़ देता हूं। कृषि विभाग में जो लिपिकीय संवर्ग है उसका भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2024 की स्वीकृति हुई है। स्वास्थ्य विभाग में जो ईसीजी टेक्नीशियन है उसका जो सेवा संवर्ग नियमावली है वो स्वीकृत हुआ। स्वास्थ्य विभाग में परिधापक संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पद है उसका नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली का यह सेवा शर्त नियमावली स्वीकृत हुआ। स्वास्थ्य विभाग में प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग का सेवा शर्त और नियमावली स्वीकृत हुआ। स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन का भी जो सर्विस कंडीशंस है वह स्वीकृत हुआ। ये केवल सर्विस नियमावली सेवा शर्त नियमावली है, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली पद नहीं है, ये केवल सेवा शर्त है। योजना विकास विभाग में बिहार स्थानीय क्षेत्र सेवा अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली यह स्वीकृत हुआ। और दरभंगा जिला अंतर्गत एक जमीन का बदलैन हुआ है, यह मालिक धर्म नारायण सिंह वगैरह भूमि ये मान्य उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है, जिसमें इनकी जमीन पर सड़क बन गई थी और ये किसी और जमीन पर अतिक्रमण किए हुए थे,
तो जिस जमीन पर इनकी जो इनकी जमीन पर सड़क बनी थी वो राज्य सरकार ने ले लिया है, जो अतिक्रमण किए थे उनको बंदोबस्त कर दिया। वित्त विभाग में दो पद थे, बजट सलाहकार और वित्तीय विशेषज्ञ, ये अगले दो साल के लिए एक्सटेंशन किया है। कृषि विभाग में जो कृषि परिषद में क्षेत्र सहायक एक पद था, इसका सेवा संवर्ग सेवा नियमली स्वीकृत हुआ है। और बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत समूह ग के पदों का प्रत्यार्पण और संपरिवर्तन हुआ है। तो कुल 25 मामलों में आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। अब किसी को पूछना है कुछ? सर, ये बीसीसीआई वाला जो है ये एमओयू साइन कब होना है? अभी अग्रीमेंट हो गया, अब तो एमओयू साइन होगा। एमओयू पहले तो देखिए दो पार्ट में होना, पहले तो सैद्धांतिक सहमति हुआ, कैबिनेट ने पिछले मेरे ख्याल से दो तीन कैबिनेट पहले दिया था, उसके बाद विमर्श हुआ कि अब अग्रीमेंट किस टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस तो था नहीं, तो उसके बाद फिर नेगोशिएशन हुआ, फिर बात बहुत सारी जगह डिस्कशन हुआ, उसके बाद यह तय किया गया कि 7 साल में 1 रुपया और 50-50 पे तय हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।